Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay.

then then comes exercise and then finally exercise and finally exercises total chapter definite definite तो तो definite integration uh, definite integral definite integral निकालना है. दो एक्सरसाइज इसलिए हैं एक्चुअली सब में निकालना हो तो फिर uh, दो एक्सरसाइज इसलिए हैं कि एक में तो लिमिट ऑफ से निकालना है मतलब जो बेसिक तरीका होता है जैसे अपन डिफ्रेंसिएशन करते थे तो डिफ्रेंसिएशन का एक बेसिक तरीका होता था एडवांस से शुरू हो रहे हैं आपके गया या आपके कटा है आपके तो कुछ नहीं कटता है ना सेवन पॉइंट एट कटिए है ना ठीक है और सेवन पॉइंट नाइन तो वही एडवांस टेक्निक फाइनल जो मतलब एडवांस टेक्निक या जो जो फॉर्मूला अपन यूज टू हैं जिससे

सेवन पॉइंट इलेवन में प्रॉपर्टीज हैं ही इसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसी दोनों क्या रही हैं किसी के नहीं घटी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन डन तो ये ओवरव्यू है पूरे अगले चार एक्सरसाइज का ठीक है क्लियर है अब देखो इसमें से सेवन पॉइंट नाइन एंड सेवन पॉइंट टेन आर द इजी वंस इजी वंस मतलब जिस जो करने में आपको मजा आएगा मजा आएगा मतलब आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग नहीं कर रहे किया हुआ है बस थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं सेवन पॉइंट एट एंड सेवन पॉइंट इलेवन करने में बहुत जोर आएगा है ना सेवन पॉइंट एट तो एक तरीके से एग्जाम का पार्सल होता ही नहीं है अब आपके कटा नहीं है इसलिए आपको पढ़ाएंगे आप भी पढ़ लेंगे इस चक्कर में पर वो एग्जाम में नहीं आएगा ना एग्जाम में जो आता है इन तीनों में सही आता है सेवन पॉइंट इलेवन तो करने में मजा भी नहीं आएगा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सब में सही इवन पूरे चैप्टर में सही ठीक है और वो प्रॉपर्टीज हैं जो सारी सारी अपने को पढ़नी है कोई बच नहीं सकता उससे ठीक है सारा चीज क्लियर है अब सुनिए अब हम क्या करेंगे अभी डेफिनेट इंटीग्रल का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन देने के बाद में सेवन पॉइंट एट का इंट्रोडक्शन ना दे के सेवन पॉइंट नाइन का इंट्रोडक्शन दूंगा क्यों क्योंकि अगर सेवन पॉइंट एट का इंट्रोडक्शन देने बैठे पहले देंगे लेकिन सेवन पॉइंट नाइन के बाद देंगे या सेवन पॉइंट नाइन सेवन पॉइंट टाइन ये दो एक्सरसाइजेस करने के बाद देंगे है ना पहले अगर देने लगेंगे तो टॉपिक से इंटरेस्ट लूज हो जाएगा

ठीक है ये अपना प्रोसेस रहेगा ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन सो so, जो चीज आपको नोट करनी है मैं आपको लिखवा देता हूं क्योंकि इसके कोई नोट्स नहीं है मेरे पास और इजी सी चीजें सिंपल सी बात तो so, देखो सिंपल सी बात क्या है कि अभी तक जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे थे लाइक दिस इंटीग्रेश इंटीग्रल एफेक्ट डी एक्स इंटीग्रल एफेक्ट डीएक्स अपन कर रहे थे तो बदले में एफ एक्स डी अगर एफ एक्स फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसका इंटीग्रल भी एक फंक्शन ऑफ एक्स निकल रहा था जिसको अपन ने पहले शुरुआत में बात करी थी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिनोट कर सकते हैं अपन है ना ये भी एक्स का फंक्शन ये भी एक्स का लेकिन अगर मैं सिंपली ये लिख दिया तो ये तो दोनों सेम हो जाएंगे तो कुछ डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना तो कोई कहता है कि सर ऑफ जियोफेक्स ले लो ऑफ जियोफेक्स लेंगे तो भी ऑफ जियोफेक्स भी ले सकते हो ऑफ जियोफेक्स भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है मतलब डिनोट करा सकते हो लेकिन फिर ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा इसको कनेक्ट इसके बीच में कनेक्शन स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं इससे इससे है इंटीग्रल है यानी कि, कि इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो ये आ जाएगा समझ गए क्लियर है ये हमने शुरुआत में सीखा था लेकिन हमने ये सीखा था कि इसके साथ एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकल के आता है अब ये क्यों निकल के आता है पहले तो उसकी बात करेंगे ये क्यों निकल के आता है उस टाइम भी करी थी वापस करेंगे क्योंकि अब तो मेन उसी टॉपिक की बात चल रही है तो दोबारा से करना पड़ेगा तो ये इसलिए निकल के आता है क्योंकि हमने जब डिफ्रेंसिएशन चैप्टर में सीखा था कि लेट्स से इट इज अ टू डी प्लेन एंड इट इज अ कर्व एंड इट इज अ कर्व अब इस कर्व पे एट दिस पॉइंट अगर मैं डेरिवेटिव निकालू तो एक्चुअली इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव निकलेगा एक्स इक्वल टू दिस इस पॉइंट पे कोई डेरिवेटिव मान लो एक्स इक्वल टू ए है तो इस पॉइंट पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालू तो एक्चुअली इस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप ही वो डेरिवेटिव होगा ये सीखा था अपन ने टेल मी इस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकल सकता है तो इस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट स्लोप ऑफ Distance. फिर ने क्या एक चैप्टर भी स्किप किया हुआ अगर वो चैप्टर पढ़ लिया होता तो उसके बाद तो ये चीज साफ साफ क्लियर ही होती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही डेरिवेटिव होता है इट इज एक्टिव इट इज एक्चुअली दान लो ये इट इज एक्टिव एट एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए पे जो डेरिवेटिव है वो एक्चुअली इस टेंजेंट का स्लोप्टिंग में सीखा था तो अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो अपने को क्या मिलेगा वैल्यू वाइज क्या मिलेगा वैल्यू वाइज अपने को जो चीज मिलेगी वो उस टेंजेंट का स्लोप होगा होगा लेकिन अब अपन उल्टे प्रोसेस पे आ गए अब अपन क्या आ गए उल्टे प्रोसेस पे आ गए तो अब उल्ट देखो जब अपने को सीधा प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारे पास एक कर्व है और बदले में आंसर में एक टेंजेंट है यह टेंजेंट का स्लोप है फाइन अब जब उल्टा प्रोसेस करेंगे तो क्वेश्चन में तो टेंजेंट है और आंसर में कर्व मिलेगा उल्टा होगा ना पहले कर्व मिलके टेंजेंट निकाल रहे हो अब टेंजेंट मिलके कर्व निकाल रहे हो ठीक है फाइन तो सपोज करो मैंने आपको टेंजेंट दे दी क्या दे दी टेंजेंट टेंजेंट क्या दे दी मैं तो आपको दूंगा कि ये डेरिवेटिव है मैं आपको क्या दूंगा बेटा डेरिवेटिव डेरिवेटिव है है और क्या होता स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है तो एक्चुअली मैं आपको स्लोप दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ स्लोप तो क्या दुनिया में एक ही लाइन उसका वो स्लोप होगा स्लोप तो बहुत सारी लाइन का सेम हो सकता है तो अगर मैंने आपको स्लोप दिया है तो मैंने आपको यूनिक टेंजेंट दी नहीं है समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं भाई अब उल्टा प्रोसेस चला रहे हैं तो उल्टा प्रोसेस में मैं आपको किसी टेंजेंट का स्लोप दूंगा स्लोप इक्वल टू तो क्या दुनिया में एक ही लाइन होगी क्या जिसका स्लोप होगा इनफाइनाइट होगी तो बहुत सारे स्लोप अगर मैं आपको एक स्लोप दे रहा हूं तो ऐसी बहुत सारी टेंजेंट्स हैं तो उन टेंजेंट्स के रेफरेंस में बहुत सारे कर्व्स मिलेंगे मिलें मिलेंगे नहीं मिलेंगे फॉर एग्जांपल अब उल्टा प्रोसेस शुरू करते हैं मैंने आपको ये टेंजेंट दे दी दे दी मैंने आपको यह टेंजन दे दी ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे दी दे दी अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मैंने दे दी तो आप कहोगे कि सर मुझे कर मेरा कर मिल गया अनुष्का कहेगी सर मुझे तो मेरा कर मिल गया यानी इंटीग्रेट करने से मेरे को ये कर मिला जब डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है तो इंटीग्रेट करने से वापस कर मिलेगा मतलब एफेक्स मिलेगा और एफेक्स इस कर्व का एक कर डेफिनेशन कह लो या इसकी इक्वेशन कह लो ये कर्व मिल जाएगी मुझे ठीक है सृष्टि कहेगी कि सर आपने जो स्लोप दिया था ना उस स्लोप से मैंने तो सर ये वाला टेंजेंट बनाया इस, इसने अनुष्का ने ये बनाया लेकिन मैंने तो ये बनाया क्योंकि जितने भी पैरल लाइन्स होगी सबके स्लोप भी इक्वल होते हैं तो उसके पैरल अगर ये वाली लाइन में बना दूँ तो इसका स्लोप भी वही होगा जो मैंने दिया था फिर कोई और स्टूडेंट ये वाला स्लोप बनाएगा कोई ये बनाएगा कोई ये बनाएगा तो सबके अलग अलग कर्व्स आएंगे मानते हो जैसे अनुष्का का ये आया तो सृष्टि का ये आ सकता है उसी सेम पॉइंट पे चेक करो उसी सेम पॉइंट पे बहुत सारे कर्व्स आ सकते हैं ना ठीक है ना किसी का ये भी आ सकता है किसी का ये भी आ सकता है आ सकता है थोड़ा फ्री हैंड से बना रहा हूं है ना ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है सेम पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पे एक्स इक्वल टू ए पे वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट कर्व तो यानी कि किस से टेंजेंट यूनिक मिलती है लेकिन टेंजेंट से कर यूनिक नहीं मिलता सिंपल सी बात है देखो एक विशाल सागर है बहुत बड़ा सागर सागर समझो समुद्र मैंने कहा सृष्टि एक बोतल पानी निकाल के लाओ निकाल के लिए तो वो यूनिक हो गई मैंने कहा वापस डालो डाल दी अब मैंने कहा उसी बोतल पानी को ढूंढो कैन यू फाइंड कैन यू आइडेंटिफाई वो सेम वही बोतल का पानी चाहिए मुझे तुम आइडेंटिफाई हो सकता है तो विशाल सागर में वापस हो गई सिंपल सी बात है यूनिकनेस नहीं है ना सेम वो की वही बात है कि कर्व विशाल सागर था उसमें से आपने टेंजेंट खींच दी अब टेंजेंट वापस अगर कर्व में मिल गई तो अब वो यूनिक कर्व थोड़ा निकल सकता है बहुत सारे इनफाइनाइट कर्व्स निकलेंगे उसके रेफरेंस में निकलेंगे ना तो उसकी यूनिकनेस स्थापित कर अगर वो बहुत सारे कर्व्स निकल रहे हैं ना वो बहुत सारे कर्व्स निकल रहे हैं ना इसीलिए हमारे आंसर भी बहुत सारे निकल रहे हैं तभी तो सी लगा हुआ है सी की वैल्यू वन रख लो तो एफ एक्स प्लस वन एक आंसर है सी की वैल्यू टू रख दो एफ एक्स प्लस टू एक आंसर है थ्री रख दो तो एक तभी तो इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं तभी तो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यूनिक फंक्शन निकल रहा है लेकिन जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यूनिक फंक्शन नहीं निकल रहा है इनफाइनाइट फंक्शन निकल रहे हैं और वो इन्फाइन फंक्शन एक दूसरे से कॉन्स्टेंट से डिफ्रेंशिएटेड है कॉन्स्टेंट से अलग अलग है कॉन्स्टेंट अलग अलग करो तो वो फंक्शन भी अलग अलग है हो सकता है ये वाला फंक्शन तो हो एफ एक्स प्लस वन हो सकता है ये वाला हो एफ एक्स प्लस टू हो सकता है ये वाला हो एफ एक्स प्लस थ्री तो मैं सारे लिखने बैठूंगा क्या तो मैंने क्या करा एफ एक्स तो सब में आ गई क्योंकि देखो ये पैरल ये कर्व भी एक दूसरे से पैरल आएंगे आएंगे तो जब कर्व भी पैरल आएंगे ना तो उनकी इक्वेशन में भी केवल ये कॉन्स्टेंट का ही फर्क होगा एक्स वाली क्वांटिटी का फर्क नहीं होगा समझ गए एक्स वाली क्वांटिटी का फर्क नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में भी यही होता था आपको याद है हमने क्लास टेंथ में सीखा था कि पैरल लाइंस का जो सिमेट्री बनती हो क्या बनती है ए वन ए टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल टू सी तो कॉन्स्टेंट टर्म का ही डिफरेंस रहता था बस एक्स और वाई वेरिएबल सेम रहते थे तो यहां पर भी अगर ये पैरल कर्व है तो इनके एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स वाला पार्ट से प्लस टू है तो ये एक्सक्स टू होगा ये भी एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा वो अगर एक्सक्वायर प्लस थ्री एक्स है तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स होगा ये भी एक्स स्क्वायर बस कॉन्स्टेंट का डिफरेंस होगा तो ये कॉन्स्टेंट बहुत सारे रखने थे इसलिए मैंने एक्स सी रख दिया इतना इतनी चीज समझ में आई कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है लेकिन यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो यूनिक कर्व नहीं निकलता बहुत सारे कर्व्स निकलते हैं एक्चुअली हम कहते हैं ये कर्व नहीं निकलती ऑफ कर्व्स निकलते हैं क्या निकलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स निकलते हैं अब इस फैमिली ऑफ कर्व्स में से वो एक यूनिक कर्व चाहिए मुझे तो मुझे तो क्या चाहिए एक यूनिक कर्व चाहिए उस यूनिक कर्व को खोजना ही डेफिनेट इंटीग्रेशन है

होगा ठीक है अब आप ये चीज तो समझ गए कि अगर कर यूनिक चाहिए तो सी की एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए वन या तो टू या थ्री या जो भी सी की स्पेसिफिक वैल्यू रखते ही ये फैमिली ऑफ कॉर्स में से एक यूनिक कर्व निकल के आएगा नहीं आएगा अब सी की स्पेसिफिक वैल्यू निकालने का प्रोसेस ही डेफिनेट इंटीग्रेशन है यहाँ तक समझ गए क्लियर है ठीक है ठीक है चलो तो इसके लिए इसके इंट, इंट्रोडक्शन में जो आपको लाइन्स लिखनी है आप ऐसे इस, इस तरीके से लिख लेंगे we have studied that जैसे आप अभी पढ़ लो बाद में जाकर लिख लेना या चाहो तो अभी लिख लो we have studied that हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है when we when we integrate समझाने के हिसाब से तो मैंने आपको डिफरेंशिएट वाले प्रोसेस पे भी लेके गया लेकिन अभी अपन लिखेंगे तो इंटीग्रेट के प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे when we integrate a function when we integrate a function f x with respect to x we get an another function we get an another function capital f of x again we get an another function f capital f of x plus c इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलता है अपने को जब आप एफ 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 एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स को इंटीग्रेट करते हैं कोई सा भी एफ ले लो आप एक फंक्शन मिलेगा एक्स का प्लस सी मिलेगा ये हमने सीखा है अभी तक ठीक है इट इज कॉल्ड ये जो मिलता है इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इट इज कॉल्ड द इनडेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल

यूनिक कर बट अ फैमिली ऑफ कर्स बट ए फैमिली ऑफ कर्स क्योंकि हमको इससे एक यूनिक कर्व नहीं मिलता एक फैमिली ऑफ कर्स मिलती है अब नाउ नाउ टू स्टैब्लिश द यूनिकनेस ऑफ द कर उस कर की यूनिकनेस स्टैब्लिश करने के लिए टू स्टैब्लिश द यूनिकनेस ऑफ द कर्व ठीक है ना वी आर रिक्वायर्ड वी आर रिक्वायर्ड टू वी आर रिक्वायर टू स्टैब्लिश द यूनिकनेस ऑफ सी अगर आपको कर्व की यूनिकनेस चाहिए आप आपको सी की यूनिकनेस चाहिए सी यूनिक हो गया तो कर्व यूनिक हो गया टू स्टैब्लिश द यूनिकनेस वी आर रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश द यूनिकनेस ऑफ द

we integrate the given function f x we integrate the given function f x with respect to x ये तो करते ही हैं within a limit उसको एक limit के अंदर हम इसको integrate करते हैं within a limit within a limit that is

तब उस एक्सप्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है और लिखा कैसे जाता है एस फॉलोस उसको लिखा कैसे जाता है वो एक्सप्रेशन लिख के बताता हूं मैं नीचे उसको हम ऐसे लिखते हैं ऊपर लिख देता हूं नीचे स्पेस नहीं है इंटीग्रल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ए से लेके बी कहा मार्क करेंगे हम ए नीचे मार्क करेंगे बी ऊपर माफ करेंगे क्या कहा मैंने एस ए नीचे बी ऊपर इसका मतलब क्या होता है कि एफ एक्स का जो भी इंटीग्रल आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो अपन कहते हैं कहते हैं उस की और A और B जाती है। जो भी अंदर आंसर आया उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या मान ली जाती? तो जाती है अगर इधर ए और बी है तो इधर भी ए और भी मान ली जाती है ठीक है उसको फर्दर सॉल्व करने का मतलब क्या होता है उसको फर्दर सॉल्व करने का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू एक बार बी लो और एक्स की वैल्यू एक बार ए लो और दोनों का डिफरेंस कर लो ठीक है फाइनल फार्मूला एक तरीके से इंट्रोडक्शन में हमने फॉर्मूला दे दिया है थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे ठीक है ना वेयर यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि एफ एक्स का मतलब होगा एफ एक्स का इंटीग्रल ठीक है वेयर वेयर एफ इक्वल टू

ताकि हम एक यूनिक कर्व फाइंड आउट कर सकें फैमिली ऑफ कव की जगह और यूनिक कर्व फाइंड आउट करने का मतलब सीधा सीधा यह है कि सी की एक यूनिक वैल्यू चाहिए और सी की यूनिक वैल्यू निकालने के लिए अपने को इंटीग्रेशन कुछ लिमिट के अंदर करना होगा देखो नाम से पता चला इनडेफिनेट अनंत डेफिनेट यानी फिक्स तो एक फिक्स लिमिट के अंदर जब अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे तब अपने को सी की यूनिकनेस पता चलेगी अच्छा इसमें ये सी कहां चला जाता है देखो ध्यान से कहा चला जाता है ये सी कहाँ चला जाता है सोचने वाली बात है कि इसके अंदर सी निकल के आता है निकल के आता है भाई मैं अभी हल्का सा अगर लिखूं तो ये प्लस सी और है अंदर तो है तो फिर इधर भी है और फिर इधर भी है तो सी माइनस ही कट जाता है समझ गए तो फिर फाइनली सी का कोई नामो निशान नहीं रहता समझ गए अभी पूरा कैलकुलेशन इधर नहीं किया अभी तो केवल इंट्रोडक्शन दिया है ना इसलिए ऐसे लिख दिया समझ गए क्लियर है सी माइनस सी वो कट जाता है चले आगे हाँ हाँ अब इस अब इस लिमिट का मतलब बताएंगे अभी लिमिट का मतलब पूरा नहीं समझ में आया होगा कि लिमिट का मतलब क्या ही है ना अभी इसका मतलब पूरा बताएंगे शुरू करें इतना हो गया ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर एरी इस वाले पार्ट को अभी ना छेड़कर मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज को अभी ना छेड़कर ये मैंने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रो, इंट्रोडक्शन पार्ट उठा लिया शायद नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज का है ना तो एक मिनट रुको एक बार देखने दो मुझे ये क्या 7.8 7 का गए तो नहीं, पर सेवन पॉइंट सेवन क्यों नहीं दिखी मुझे सेवन पॉइंट सेवन तो कर लिया हमने तो सेवन पॉइंट एट जो है तो ये नई बुक है जो मैं खोल के बैठा ये नाइन है तो ओल्ड बुक खोलनी पड़ेगी फिर आगे एक चीजों को समझने के लिए तो ये नई बुक डाउनलोड करी थी क्या हमने किसी के पास ओल्ड बुक है लग एक ओल्ड बुक दो सेवन पॉइंट एट ये है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन एस लिमिट ऑफ द सम ये वाला पोर्शन तो अपन स्किप कर रहे हैं एक बार के लिए अपन पहले अपन नाइन्थ का ही इंट्रोडक्शन करेंगे वैसे भी है ना तो नाइन्थ का इंट्रोडक्शन करेंगे तो फिर तो सही है जो अपने को करना है वही है हमारे पास है ना ये वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं एक बार ये वाला पार्ट भी हम एक बार के लिए स्किप कर रहे हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में सबसे पहली चीज सीखनी पड़ेगी एरिया फंक्शन क्या है ना एरिया फंक्शन सीखने से पहले अभी जब भी हमने जो पढ़ा उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग सीखना अभी अभी जो हमने पढ़ा उसका क्या सीखना है यही रहने तो देखो हमने जो अभी अभी पढ़ा ये सब तो अल्जेब्रिकली फाइंड आउट किया भाई देखो ये अल्जेब्रिक एक वैल्यू होगी एक्स का एक कोई भी फंक्शन ले लू जैसे मैं एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू तो ये तो अल्जेब्रिक वैल्यू है ना मेरे पास ये तो अल्जेब्रिक वैल्यू है इसका ज्योमेट्रिक वैल्यू क्या होगी कर्व होगी जो भी अपन ज्योमेट्री में ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं ओके ये ज्योमेट्रिक मीनिंग नहीं था ये अल्जेब्रिक मीनिंग था ओके अब ज्योमेट्रिक मीनिंग के बारे में बात करते हैं फिर ये एरिया फंक्शन समझ में आएगा ओके सो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी ये सब लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक में जो भी है लेकिन हम हमारे नोट्स में क्या डालेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ और ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ में आएगा ना तो उसी से एरिया फंक्शन समझ में आ जाएगा समझ में आया ज्योमेट्रिक मीनिंग और एरिया फंक्शन सेम ही करीब करीब सेम ओके तो उसी से कनेक्ट करके अपन लिख देंगे बाद में ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तो पहले तो रफली समझो और फिर मैं बताता हूं क्या लिखना है जो मैट्रिक मीनिंग स्टार्ट करें देखो, ये ट्यूटरी प्लेन है, मेरे को एक फंक्शन दिया है लेट्स से एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया है मेरे को क्या, एफ ऑफ एक्स, मैंने कहा इस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल पता करो, डेफिनेट इंटीग्रल पता करो, इस एफ ऑफ एक्स का क्या करो? पता करो, डेफिनेट इंटीग्रल पता करो। डेफिनेट इंटीग्रल पता करने के लिए लिमिट दी होगी लोअर लिमिट अपर लिमिट ए और बी तो मैंने कहा कि ए से लेके बी तक पता करो लेट से अभी अपन इसको स्पेसिफिक नहीं लिखते हैं जनरल लिखते हैं ए से लेके बी तक पता करो तो इसका मीनिंग कैसे मिला के आपने को ज्योमेट्रिकली क्या मिला इससे ज्योमेट्रिकली इससे क्या मिला तो ज्योमेट्रिकली हमको पता है क्या मिला इससे सपोज करो ये एक्स इक्वल टू ए वाला पॉइंट है और सपोज करो ये ए छोटा होगा या बी बड़ा होगा हमेशा है ना मतलब एक्स एक्सिस पर छोटी वैल्यू होगी और बी हमेशा क्या होगी बड़ी वैल्यू होगी ये हमने मेंशन नहीं करी, बाकी हमेशा होगा कि इज ग्रेटर देन ऑन द एक्सिस अच्छा किसी किसी क्वेश्चन में उल्टा हो जाता है कि ये छोटा है बड़ा हो जाता है तो उसमें वो कब होता है और उसके बाद कैसे डील करना है वो अपन प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में देखेंगे पर जनरल इम्प्लीकेशन uh, क्या है कि ए छोटा और बी बड़ा ये बी हो गई ठीक है अब सुनो ये जो अपन दीवारें खड़ी कर देते हैं वर्टिकल लाइंस इनको बोलते हैं ओडी क्या बोलते हैं इनको अभी लिखवाऊंगा अभी सही इनको क्या बोलते हैं ओडी हमने नाइन टेंथ में सीखा था एक्स की वैल्यू एक एक्स की वैल्यू कुछ भी हमको पता हो और उससे हम इसकी एक लाइन खींचें वो एक्चुअली एक ऐसी लाइन बनेगी जो एक्सिस के पैरल हो वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको और इन वर्टिकल को मैथमेटिकली शॉर्ट में क्या बोलते हैं Odinates. तो ये वाली दीवार ऐसे दीवार है है ना ये वाली दीवार एक्स इक्वल टू या, या एक्स इक्वल टू ए और ये वाला ओर्डिनेट एक्स इक्वल टू बी ठीक है तो डेफिनेट इंटीग्रल से हमको क्या मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल से हमको एक एरिया मिलेगा क्या मिलेगा एरिया अब एरिया एक ऐसी चीज है जो चार दीवारी में पैक हो और उसके बीच का खाली स्पेस हो जैसे मैंने कहा इस रूम का एरिया तो इस रूम का एरिया जो है ये जो फ्लोर है ये इसका एरिया है तो ये फ्लोर चार दीवार से पैक है या नहीं है मान लो चार दीवार से पैक ही ना हो अनंत हो तो वो एरिया एक तरीके से स्पेसिफिक एरिया होगा क्या मान लो मैंने ये वाली दीवार हटा दी अब मैंने कहा फ्लोर का एरिया बताओ तो फ्लोर कहाँ रेंज कर रहा है हमको क्या बता लेकिन जैसे भी मैंने इसको चार दीवार में पैक कर दिया या तीन दीवार में पैक कर दिया कुल मिलाकर क्लोज कर दिया तब जाके एरिया डिफाइन है तो मैंने कहा भाई इसका आंसर एक एरिया निकलेगा तो क्या निकलेगा एरिया तो आप कहोगे चार दीवार बताओ आप क्या कहोगे चार दीवार बताओ तो चार दीवारी का सिंपल सा मीनिंग है कि एक छत होनी चाहिए एक फ्लोर होना चाहिए एक बेस होना चाहिए एक छत होनी चाहिए और कुछ दीवारें होनी चाहिए तो बेटा फ्लोर का काम तो करता है एक्सेक्स छत का काम का करता है ये खुद कर और दीवारों का काम का करता है ये दोनों ऑर्डिनेट्स इसके बीच का एरिया जो आएगा यही एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल है यही एक्चुअली क्या है डेफिनेट इंटीग्रल अब वो exactly एग्जैक्टली ऐसा क्यों है ये तो आपको सेवन पॉइंट सेवन के सेवन पॉइंट एट के इंट्रोडक्शन में समझ में आएगा जो अभी हमने स्किप कर दिया जो पहला था ना लिमिट ऑफ ए सम उससे एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली ये एरिया क्यों है डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग ये एरिया जियोमेट्रिक मीनिंग एरिया क्यों है तो उस पर बिल्कुल डायरेक्ट uh, उस पर मत जाओ कि ऐसा क्यों है है ना अभी के लिए इसको डाइजेस्ट करो कि ये एरिया है ठीक है इस एक्सरसाइज के लिए ठीक है ना फिर वही बात होती है अगर उसको समझाने बैठेंगे तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे लगेगा आपको ये टॉपिक तो अभी हम वो नहीं समझा रहे कि डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग एरिया क्यों है अभी हम ये नहीं समझा रहे अभी हम बता रहे हैं कि ये एरिया है इसको डाइजेस्ट एक बार के लिए एज इट इज ठीक है तो मेरे किसी ने कहा को A से लेकर बी तक इंटीग्रेट किया तो क्या बदलाव क्या मिला बदले में बदले में एक एरिया मिला कौन सा एरिया मिला उस कर्व के नीचे का एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया और बाउंडेड बाय दी टू ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी तो मैं कह सकता हूं एरिया अंडर द कर्व मिला कर्व के नीचे का एरिया एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी एंड अंडर द कर्व भी बहुत सारा एरिया है ना इस कर्व के अंडर बहुत सारा एरिया है तो तीन दीवारें अगर मैंने लगा दी दो ये और एक एक्स एक्सिस तो फिर वो एरिया डिफाइन हो गया स्पेसिफिक हो गया तो मैं क्या लिखूंगा एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी एंड समझ आया ठीक है तो आप जब ये जोमेट्रिक मीनिंग वाली चीज लिखोगे तो पहले तो रफली बना देना पर एक फिगर बना देना और इस एरिया को थोड़ा सा शेड कर देना इस एरिया को क्या कर देना थोड़ा सा शेड कर देना ठीक है ये हो जाएगा ऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू बी इसको हम क्या कहेंगे ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू बी और इसको क्या कहेंगे ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू एर्डिनेट एक्स इक्वल टू बी और इसको मार्क कर लेना यह हमारा ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए अब लिखना क्या है इसमें ज्योमेट्रिक मीनिंग में ज्योमेट्रिक मीनिंग में आपको लिखना है ऊपर एडिंग डाल दी दोगे ज्योमेट्रिक मीनिंग आप लिखोगे कि द डेफिनेट इंटी द ज्योमेट्रिक मीनिंग द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स ए टू बी जोट्रिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रल एफ डी एक्स ए टू बीज एक्चुअली द एरिया द एरिया कर एरिया अंडर द कर जो अभी चीज सीख रहे हैं इसका सीधा सीधा तालुक है अगले चैप्टर से अगले चैप्टर में आपको एरिया अंडर द कर ही निकालना है यानी अगले चैप्टर में आपको पूरे चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रल ही निकालना है। इसमें तो निकालना सीख रहे हैं इसमें तो अपन ये चीज सीख अपन तो इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं डेफिनेटली उसको तो इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें एक्चुअली फिगर-विगर एरिया निकालेंगे मतलब उसका एप्लीकेशन है ये सीख रहे हैं और वो एप्लीकेशन है तो हमारा जो चैप्टर है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वो एक्चुअली है, है वो है ना उसने ठीक है इस एक्चुअली एरिया अंडर द कर उंडेड बाउंडेड बाय द ओर्डिनेट्स बाउंडेड बाय द ओर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी एंड द एक्स एक्सेस साथ में एक्स एक्सिस भी होनी चाहिए तीन दीवार दो दीवारों से काम नहीं चलेगा तीसरी दीवार भी मिलनी चाहिए एंड द एक्स

अब ये जो चीज हमने सीखी इसी से ही एरिया फंक्शन क्रिएट हुआ जो इसमें मेंशन है एरिया फंक्शन क्या है इसके बारे में बात करते हैं देखो फंक्शन क्या होता है एनीथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एनीथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वही तो फंक्शन है तो इस पूरे डेफिनेट इंटीग्रल को ऐसी शक्ल दे देना कि वो एक फंक्शन बन जाए एक्स का जो कि डिपेंड करे एक्स को उसी को कहते हैं एरिया फंक्शन अभी जो हम लिखे थे ना डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी वो सारी चीज को ऐसी शक्ल दे देना कि वो एक ऐसी चीज बन जाए जो कि एक्स पे डिपेंड करे वो एक ऐसी चीज बन जाए जो कि किस पे डिपेंड X पे डिपेंड डिपेंड करे करे इस पूरे प्रोसेस को हम पोते हैं कहते हैं एरिया फंक्शन वो कैसे हम करते हैं सीखिए ठीक है तो ये इतना हो जाएगा उसके बाद आप हेडिंग मार्क करेंगे एरिया फंक्शन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अगर हम पहले दो लिखते हैं तो मेट्रोटी फंक्शन दिस देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का जो थ्योरम नंबर वन है वो एरिया फंक्शन से कनेक्टेड है इसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ क्या कह रहा है कि एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे तो ए ऑफ एक्स जो होगा कैपिटल ए ऑफ एक्स जो होगा वो एरिया फंक्शन होगा कैपिटल ए ऑफ एक्स क्या होगा एरिया फंक्शन होगा इस तरीके से ताकि ए को हम डिफ्रेंशिएट करें तो वापस एफ ऑफ एक्स मिल जाए ठीक है तो इस वाली थ्योरम एरिया फंक्शन एक्चुअली सीधे सीधे इस वाली थ्योरम से निकली हुई चीज है तो हम क्या करेंगे एरिया फंक्शन मार्क करने से पहले फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मार्क करेंगे उसी से एरिया फंक्शन निकल के आया तो मैं पहले हेडिंग ये डालूंगा पहले तो आप मेन हेडिंग डाल लेना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल नॉट कैलकुलस फंडामेंटल यही ना हेडिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये तो हो गई हमारी मेन आपकी क्लास है क्या ओके okay. उसमें भी फिर सब हो जाएगी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल एक्चुअली देखो इंट्रोडक्शन पार्ट का आपके अंडरस्टैंडिंग का ही वो सिग्निफिकेंस है बाकी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन एक अलग जोन में होंगे वहां पे अपन इतनी ज्यादा बातें जो अपन अपने हाँ, करेंगे डिस्कस ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसको अलग छोड़ के नई चीज शुरू कर देंगे ऐसा भी नहीं है कनेक्ट तो इससे करते ही रहेंगे लेकिन जितना अपन डिटेल में इसमें लिखते हैं या समझते हैं उसका आधा पार्ट भी एक्चुअल एप्लीकेशन में नहीं आता है ठीक है पर अब लिखना जरूरी है मान लो आधे एक नंबर का क्वेश्चन बन जाए कि ये जो चीज एरिया फंक्शन आया कौन से फंडामेंटल थ्योरम से निकल गया है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से निकल गया है सेकंड एमसीक्यू ही बन जाएगा आपका ठीक है ना तो लिखना एक बार तो जरूरी है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये सब हेडिंग हो जाएगी ठीक है क्या कहता है ये कि अगर एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए लेट ऑफ बी फंक्शन और हम जिस इंटरवल के बीच की बात कर हम जिस लिमिट के बीच की बात कर रहे थे ना ए से लेके बी एक्स एटलीस्ट उस ए से लेके बी में वो कंटिन्यूस हो बाकी ए से लेके बी के बाद में वो कंटिन्यूस है या नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है पर जिस लिमिट की हम बात कर रहे हैं टू बी उसमें तो वो कंटिन्यूस समझ गए बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल सबसे पहली चीज जिस ए और बी के बीच में हम बात कर रहे हैं ठीक है पहली चीज ये है और उसके बाद लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल और अच्छा ए ऑफ एक्स को इसने एरिया फंक्शन मान लिया देन तो मैं सीधे अपन ये लिखेंगे देन देन ए डैश एक्स देखो उन्होंने क्या लिखा एक बार पहले लिख देता हूं मैं हमने uh, थोड़ा सा नहीं आया समझ में कोई बात नहीं आप ऐसे लिखो एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ए टू बी इंटीग्रल होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल होगा विद इन लिमिट ए टू बी विद इन लिमिट ए टू बी वो एक फंक्शन निकल के आएगा जिसको अपन कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स कह रहे थे आज की तारीख में उसको हम कैपिटल ए ऑफ एक्स देंगे क्या कह देंगे नाम बदल देंगे बस कैपिटल क्योंकि ये एक्चुअली एरिया है तो ए फोर एरिया जब अपन इसको आर्थमेटिकली रीड कर रहे हैं तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले लेंगे क्योंकि वो एक फंक्शन है लेकिन जब अपन ज्योमेट्रिकली रीड कर रहे हैं तो वो एक एरिया है तो ए ऑफ एक्स आएगा वो सच दैट सच दैट इसका डेरिवेटिव ये है सच दैट इसका डेरिवेटिव ये है तो ये लिख के फिर आप नीचे लिख देना सच दैट फॉर ऑल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए टू बी भाई इस ए से लेके बी में कोई साक्स ले लो हर बार जब आप इसका डेरिवेटिव निकालो तो एफ ऑफ एक्स निकल के आना चाहिए हाँ वो अब अपन इसको एरिया फंक्शन में कन्वर्ट तो करें अभी तो अपन जनरल इंटीग्रल की बात करें अभी अपन फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहे हैं उसमें तो लिमिट ए टू बी ही होगी और उसका इंटीग्रल एक फंक्शन आएगा तो बस इसने जस्ट ये कहा है इस वाले फंडामेंटल थ्योरम में कि जो अभी आप मीनिंग वाइज एफोपेक्स पढ़ रहे थे अब उसको आप फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से एफ ऑफ एक्स ना बढ़कर ए ऑफ एक्स पढ़ो इतनी सी बात वो कह रहा है ताकि ए ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स होना चाहिए इस लिमिट के अंदर किसी भी वैल्यू पे ए टू बी के अंदर कोई भी वैल्यू ले लो उस और उस वैल्यू पे अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए समझ गए क्लियर है ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अब यहां से निकल के आया एरिया फंक्शन यहीं से क्या निकल के आया फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से क्या निकल के आया एरिया फंक्शन अब एरिया फंक्शन क्या कहते हैं उसके बारे में बात करें इसको कर दूं डिलीट तो देखो एरिया फंक्शन का मतलब अब इस पूरी बात को एक्स में कन्वर्ट करके एक फंक्शन का रूप दे देना ठीक है एक्स में कन्वर्ट करके किसका रूप दे देना फंक्शन एरिया फंक्शन तो सिंपल सी एक बात बताओ मुझे सपोज करो अभी जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे एरिया निकालने की ये कर्व है और कर्व के अंदर का एरिया x a और x b के बीच का है है, है है, ना, है? अब तो तो उठा, उठा रोड से ऊपर आ गया अपन लेकिन ये तो उन्नीस बीस की बात है करीब करीब अपन अर्थ पे ही ऐसे मान में है ना थोड़ा सा ऊपर है लेकिन करीब करीब अर्थ पी अब इस रूम के अंदर कितना है स्पेस है वो किस पे डिपेंड करेगा क्या हाइट लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा अगर मैंने इस हाइट को कम ले लिया तो मेरे पास कम स्पेस है और ज्यादा ले लिया थोड़ा सा ज्यादा है और ज्यादा ले लिया थोड़ा सा ज्यादा तो अगर इस रूम के अंदर के स्पेस को एक फंक्शन मान लिया जाए तो वो डिपेंड करेगी छत पर तो सिमिलरली इस एरिया को एक फंक्शन मान लिया जाए तो वो डिपेंड करेगा अपर लिमिट पर किस पर डिपेंड करेगा अपर लिमिट भाई ये तो बेस है एक्स इक्वल टू ए तो फिक्स हो गया एक तरीके से तो अब अगर मैंने इसके अंदर बी की वैल्यू इतनी ले ली तो एरिया इतना आया थोड़ी सी ज्यादा ले ली तो बढ़ गया

क्या कहता है ये अपर लिमिट को आप क्या मान लो एक्स कहीं पर भी आप मार्क कर तो करके थे वो एक्स हो जाएगा हो जाएगा अब ये जो चीज है इसी को कहते हैं एरिया फंक्शन क्योंकि इसका जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए से लेके एक्स A से लेके एक्स ठीक है तो अब इसका आंसर जो भी आएगा इसमें मैं एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रखूंगा और एक बार ए रखूंगा और फिर माइनस करूंगा तो फाइनली मेरे पास एक आंसर आएगा जो एक्स की फॉर्म में होगा किस फॉर्म में होगा किस फॉर्म में होगा बेटा एक्स की फॉर्म में होगा और एक्स की फॉर्म में अगर मेरे पास एक आंसर है तो एक्स का फंक्शन है और वो एक्स का फंक्शन है तो वही मेरा एरिया फंक्शन है वहां पे आप एक्स की अलग अलग अपर लिमिट पुट अप करो अलग 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 एरिया मान लो इसका आंसर मिल गया मुझे फॉर तो ये एरिया है पर ये एरिया तो न्यूमेरिक नहीं है अरे फंक्शन के फॉर्म में अब इसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू डालो मैंने एक्स की वैल्यू थ्री डाली तो एक न्यूमेरिक वैल्यू में एरिया है फिर फाइव डाली तो अलग है फिर सेवन डाली तो अलग है फिर टेन डाली तो अलग है तो फंक्शन का मतलब क्या होता है कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन बना देना जो किसी चीज पे डिपेंड करे तो ये एक ऐसा फंक्शन बन गया जो कि एक्स पे डिपेंड करता है ठीक है तो ये एरिया फंक्शन हो गया सिंपल सी बात कर रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल में अपर लिमिट को एक्स मान लेना से जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको कहते हैं हम एरिया फंक्शन है वही डेफिनेट इंटीग्रल देखो उन्होंने क्या करा ए से लेके एक्स तक मान दिया इसको। और उसी चीज को क्या नाम दे दिया ए ऑफ एक्स ठीक है तो इसका डिस्क्रिप्शन हम कैसे देंगे एरिया फंक्शन का अपर लिमिगरल अपर लिमिट नहीं ए तो कर रहे हैं ना और बी जो है वेरी कर रही है एक्स डाल दिया मतलब एक्स तो वेरिएबल होता है ना वो तो वेरी कर रहा है इफ वी फिक्स द लोअर लिमिट ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एट इंटीग्रल एक्चुअली क्या है इसमें प्रॉब्लम ये क्या है कि जब तक अपन ये थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं ना तब तक अंडरस्टैंडिंग कम होती है एक्चुअली क्या होता है पता है हमने जब डेफिनेट इंटीग्रल सीखा था ना तो हमको चाहे से सात दिन छुट्टी कर दी थी हमारे टीचर ने लेकिन आठवें दिन हमको पांच चार पांच घंटे की एक कंटिन्यूस सेमिनार टाइप में क्लास ली थी उसी में थ्योरेटिकल एंड साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड साथ में सब कुछ तो उसमें क्या वो चार पाँच घंटे की मूवी चलती है एक तरीके से उसमें वो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों बातें समझ में आती है अब अभी हमारे पास वो स्कोप नहीं रहता है हाँ ना आपके स्कूल्स में हम हमारे हमको तो स्कूल्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी कि वो सारी क्लासेस शट ऑफ करके उस दिन केवल यही बात समझाया गया था और ऐसा और सब्जेक्ट्स के लिए भी होता था केवल मैथ्स के लिए नहीं मान लो किसी और सब्जेक्ट में ऐसा टॉपिक है जिसकी दो तीन घंटे की क्लास लेना जरूरी है तो उसका एक दिन फिक्स करके ऐसा कर दिया जाता है फैसिलिटी थी और उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती थी जैसे अभी एक मूवी देख रहे हैं अब मूवी का मान लो एक घंटा बोरिंग है तो अगले दो घंटे में अगर इंटरेस्टिंग है तो ओवरऑल मूविंग इंटरेस्टिंग लगती है है ना अब मान लो कि एक घंटा बोरिंग है एक दिन तो वही वो, वो दिखाए बस बोरिंग बोरिंग तो अगले दिन फिर वो एक घंटा जो इंटरेस्टिंग वाला है वो भी अगर दिखाएंगे तो भी इंटरेस्ट नहीं आएगा शुरू से माइंड सेट ऐसा बन जाएगा यार कल ही बड़ी बोरिंग थी तो वो बोरिंग प्लस इंटरेस्टिंग एक ही दिन में दिखाना चाहिए ताकि वो ओवरऑल बस जब हम थिएटर से बाहर निकले हाँ अच्छी थी मूवी ठीक है वो वाली फीलिंग है तो अब वो फैसिलिटी हमारे पास है नहीं तो आज की क्लास को मान लो एक घंटा बोरिंग वाला है है ना कल जो है थोड़ा इंटरेस्ट तो कल ऐसे माइंडसेट मत बना के आना जब आप आओ यार, कली बोरिंग थी है ना अगले दिन इंटरेस्टिंग होगी इफ यू फिक्स लिमिट ऑफ वी कीप द अपर लिमिट एंड वी कीप इट्स अपर लिमिट एज अ वेरिएबल एक्स एंड वी कीप इट्स अपर लिमिट अपर लिमिट को एक वेरिएबल एक्स मान लें पर लिमिट as a variable x as a variable x then to kya hoga to hamara definite integral x pe depend karega hai na then the definite integral then the definite integral जो बनेगा पहले तो वो बनेगा उसकी बात करते हैं क्या बनेगा Then the definite integral, integration एफ ऑफ एक्स डी A से लेके एक्स बनेगा ये बनेगा ये एक्सप्रेशन बनेगा ऐसा करने से और ये एक्सप्रेशन जो होगा इट इज कॉल्ड एरिया सो इट इज कॉल्ड एरिया फंक्शन डिपेंडेंट ऑन एक्स सो इट इज कॉल्ड द यानी ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो यही एरिया ऑफ फंक्शन है इट इज कॉल्ड द एरिया फंक्शन डिपेंडेंट ऑन एक्स जनरली कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो तो अपन उसको वेरिएबल एक्स ही देते हैं। तो इस फ़ंक्शन को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या दे दिया X, जो कि

अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल ले लेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल बता पढ़ाना जरूरी था ना भाई क्या होता है इसलिए पहले उसको जनरली ए टू बी पढ़ाया गया है ए टू बी तो डेफिनेट इंटीग्रल भी होता है अब उसको फंक्शन में कन्वर्ट किया तो बी को एक्स से रिप्लेस कर दिया ठीक है थीके? फिर इसका एक रफ फिगर जो आपकी बुक में दिया हुआ है इतना लिखने के बाद आपको एक रफ फिगर बनाना है जो कि बुक में गिवन है इस तरीके से जिसमें हमने एक कर्व बनाया हुआ है यू कैन सी इन द बुक एक कर्व बनाया हुआ है कर्व में हमने क्या किया है ए टू बी तो रखा है अगर फिर a टू b क्यों रखा है बेटा a टू b तो वो डेफिनेशन है जिसके अंदर फंक्शन कंटीन्यूअस है a टू b तो वो डेफिनेशन है जिसके अंदर फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस x equal to a x equal to b ये fx और बीच में आप एक x को फिक्स कर दें ठीक है अब ये x फिक्स नहीं हुआ एक्चुअली वैरी कर रहा है इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है अभी इस पॉइंट पे मान लो वो इधर है तो एरिया मेरा इतना है तो ये जो पार्ट है दिस इज एक्चुअली ए ऑफ एक्स दिस इज एक्चुअली एक्स ये एक्स वेरी करे तो ये पार्ट बढ़ जाएगा ये X छोटा हो जाएगा। तो पार्ट कम हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए हमने फिक्स कर दिया तो ये आप फिगर आपकी बुक में भी की चेक करो ये वाला फिगर आप बना लेंगे ये वाला पार्ट है ऑफ एक्स देखो इन्होंने भी माफ किया हुआ ये वाला पार्ट है जहां पे एक्स फिक्स हो गया ठीक है क्लियर है ठीक है ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एक्चुअली हम पहले ही डिस्कस करके आए हैं बस उसका नाम ये था हमने अब सीखा क्या कहता है सेकंड फंडामेंटल कि एफ कंटिन्यूस है वही ए टू बी और एफ उसका एंटी डेरिवेटिव है यानी कि एंटी डेरिवेटिव को क्या कहते हो इंटीग्रल ही कहते हो तो सिंपल सी भाषा में बात करें तो कैपिटल एफ उसका इंटीग्रल है तो ए टू बी जो लिमिट आती है वो ऐसे आती है ये हम बात पहले इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस करके एक्चुअली जो डिस्कस करके आए वही हमारा क्या है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस तो फिर भी एज ए नोट अपने उसको मार्क करना होगा तो so, इसमें हम सिंपल सी बात ऐसे लिख देंगे सेकेंड फंडामेंटल आपका अगर टाइम हो गया तो जाओ कितने बजे काट थी क्या क्लास अच्छा तो फिर सर तो जल्दी आ गए अभी किसकी क्लास ले रहा हूं ओके सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहता है कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन कंटिन्यूस इन ए टू बी कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड कैपिटल एफ उसका इंटीग्रल है एंड कैपिटल एफ इज द इंटीग्रल उन्होंने इसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसका नाम क्या रखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव ब्रैकेट में आप लिख देना इसका इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ एक्स देन देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स नहीं देन स्मॉल एफ ऑफ एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बीज डिफाइंडलोस एक बार फंक्शन के रूप में आ जाए जब तक इसका आंसर आया नहीं तब तक तो ए और भी यहाँ लगाते हैं और इंटीग्रल का साइन लगाते हैं लेकिन एज एंक्शन इंटीग्रेट हो गया तो एक फंक्शन मिला अब उसके बाद इंटीग्रल का साइन तो लगा नहीं सकते क्योंकि इंटीग्रेट हो गया एक बार इंटीग्रेट हो जाता है तो साइन हटा देते हैं तो हट जाएगा तो फिर ए और भी काम करेंगे फिर हम उसके इस तरीके से डिनोट कराते हैं बिग ब्रेसेस लगा के मान लो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू का इस तरीके से माफ करते हैं और उसका मतलब क्या है उसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू एक बार बी लेनी है और एक्स की वैल्यू एक बार ए लेनी है यानी कैपिटल एफ ऑफ बी करना है माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए करना है ठीक है ये हो गया हमारा सेकेंड फंडामेंटल तो सिंपल सी बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में यू विल गेट ए न्यूमेरिक वैल्यू क्योंकि ए और और न्यूमेरिक है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के हिसाब से यू विल गेट ए फंक्शन ऑफ एक्स क्योंकि आपने बी को एक्स रखा है तो वहां पे एक फंक्शन निकल के आएगा एक्स की फॉर्म में सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में कोई फंक्शन नहीं निकल के आएगा एक न्यूमेरिक वैल्यू हाथ में होगी क्योंकि ए भी न्यूमेरिक बी भी न्यूमेरिक ठीक है क्लियर अब इसके तीन चार जो रिमार्क्स हैं उनको फटाफट से रीड आउट करते हैं क्या क्या है ये है ना जो लिखे हैं चाहे से नहीं पर एक बार रीड आउट कर लेते हैं तो पहला रिमार्क है कि थ्योरम नंबर टू हमको क्या कहती है वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव कहती है अपर लिमिट बी माइनस अपर लिमिट ए ठीक है ये क्या बात है ये तो जो हमने सीखा यानी कुल मिला एक न्यूमेरिक वैल्यू देती है क्या देती है एक न्यूमेरिक वैल्यू देती है एंड सेकेंड रिमार्क रीड आउट करते हैं फालतू की बातें वैसे तो जो चीज हम कैजुअली डिस्कस कर लेते हैं ना उसी को बस वो लिखने का एक तरीका होता है एंड कुल मिला हमने टॉपिक पढ़ लिया है कवर हो गया है, है ना नाइनटी परसेंट तो वे टेन परसेंट इधर उधर की बातें हैं जो रीड आउट कर लेते हैं हाँ, इसमें एक रिमार्क इंपॉर्टेंट है नीचे वाला चलो सेकंड देखते हैं दिस थ्योरम इज वेरी हेल्प वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव्स अस अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल मोर इजिली विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ ए सम ये जो हाँ ये बताना भूल गया मैं थियोरम ऑफ फंडामेंटल इंटीग्रल कैलकुलस जो है ये एक्चुअली जो एक एक्सरसाइज अभी हमने छोड़ रखी है जो ओमिटेड आ रही है उससे बचने का तरीका ठीक है।, है मतलब अगर ये थ्योरम ना होती कि ऐसे अपन एफ बी और ए माइनस करके निकाल सकते हैं तो फिर अपने को लिमिट ऑफ ए सम वाले तरीके से ही डेफिनेट इंटीग्रल यानी स्टार्टिंग में तो वही निकला था स्टार्टिंग में क्या तरीका निकला था डेफिनेटली यानी एरिया निकालने का क्या तरीका निकला था लिमिट ऑफ ए सम अब उसकी डेफिनेशन कल सीखेंगे ना या जब भी सीखेंगे अभी एक एक्सरसाइज कर लेंगे पहले उसके बाद जब भी सीखेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली उसके अंदर का एरिया लिमिट ऑफ ए सम कैसे होता है है ना या फिर इंटीग्रल का मतलब एरिया क्यों होता है इंटीग्रल का का मतलब एरिया क्यों होता है इस चीज मतलब तो 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 उसने कहा कि ये थ्योरम ये सेकंड वाली थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमको क्या कहती है एक ऐसा मेथड देती है डेफिनेट इंटीग्रल करने का जो कि विदाउट कैलकुलेटिंग लिमिट ऑफ इसम लिमिट ऑफ इसम से बचकर आपने कुछ अलग मैथड से उसको पता कर लिया ये थे थर्ड क्या कहती है कुछ भी नहीं है फालतू की बातें हैं कि अगर आप इसको इंटीग्रेट इसको करो तो वो फंक्शन मिलेगा उसको वापस डिफरेंशिएट करो तो ये integrand. तो इससे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में एक अच्छा क्रूशियल रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस है ना ठीक है ये कोई फालतू की बात है फोर्थ वाला देखो फोर्थ वाला अच्छा है देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि अगर f(x) dx एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b तो फंक्शन f नीड्स टू बी वेल डिफाइंड तो जो जिस फंक्शन की आप बात कर रहे हो वो वेल well डिफाइंड होना चाहिए और a टू b में कंटीन्यूअस होना चाहिए अगर वो वेल well डिफाइंड नहीं है और कंटीन्यूअस नहीं है जिस लिमिट में आप बात कर रहे हो उसमें वो कंटीन्यूअस ही नहीं है तो एरिया जो है वो सेंसलेस निकलेगा एरिया कैसा निकलेगा सेंसलेस मतलब हम निकाल तो लेंगे लेकिन उसका कोई सेंस नहीं होगा ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है तो उसने जो एग्जाम्पल लिया उसमें तो सेंसलेस निकल रहा है लेकिन पहले एक ऐसा एग्जाम्पल तो ले जिसमें सेंस निकल रहा है ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल देखो इधर देखो स्क्रीन पे मैंने आपको कहा सिंपल सा बात करते हैं अपन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स फ्रॉम कुछ भी लिमिट ले लेते हैं जैसे टू टू फाइव ठीक है इसका मतलब क्या होता है इसका जोमेट्रिक मीनिंग अगर मैं बनाऊं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप सब जानते हो ऐसे बनता है बनता है ऐसे बनता है अब टू टू फाइव लेंगे तो ये टू हो गया और ये फाइव हो गया करीब करीब तो यानी कि इसके बीच का एरिया चाहिए आपको एरिया अंडर द कर ये टू है और ये फाइव है और ये कर क्या है एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर है तो अगर जो मैंने ऊपर लिखा है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ये है जो नीचे बनाया मैंने ये आपको चाहिए तो ये आप कैसे करोगे सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर डी इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आंसर आएगा एक्स क्यूब बाय थ्री आएगा अब एक्स क्यूब बाय थ्री आएगा तो हम इसको टू टू फाइव में पैक कर देंगे अब अपन एक बार x की वैल्यू फाइव लगाएंगे तो फाइव क्यूब बाय थ्री माइनस फाइव टू क्यूब की वैल्यू फिर टू लगाएंगे अच्छा देखो कांस्टेंट थ्री इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो तो आगे, आगे चल के अपन क्या करेंगे एक्चुअली तो में लग रहे हैं ना तो हम वन बाय थ्री को कॉमन भी निकाल सकते हैं वन बाय थ्री का क्या रोल है वो तो वैसे भी अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो अभी सीख रहे हैं इसलिए मैंने थ्री थ्री दो बार लगाया लेकिन एक्चुअली जब क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल के जो एक्स वाली टर्म्स बची है उसी को अंदर रखते हैं ठीक है ना यानी इसको ऐसे लिखते हैं अपन वन बाय बाहर और केवल एक्स क्यूब अंदर और उसकी लिमिट थ्री टू 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 फाइव

आया नहीं था कंटिन्यूस भी था दो से लेके पाँच के बीच में कर कंटिन्यूस है और डिफाइंड भी है मेरा ऐसी कोई इनडिटर्मनेट uh, वैल्यू नहीं मिलती दो और पाँच के बीच में इस फंक्शन में या ऐसी वैल्यू नहीं मिलती इन्फाइनाइट नॉन नेगेटिव इन्फिनी ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती इसलिए एरिया सेंसफुल निकला लेकिन अब उन्होंने एक फंक्शन दिया देखना है यहाँ पे उन्होंने एक फंक्शन दिया एग्जाम्पल में ही दिया है उन्होंने एक्सक्वायर माइनस वन इसकी पावर हाफ यही है ना एक एक्स ठीक है और लिमिट दे दी माइनस टू टू थ्री माइनस टू टू थ्री माइनस टू, टू टू थ्री अब सबसे पहले तो ये थोड़ा सा फंक्शन डिफिकल्ट दे दिया चलो फिर भी मैं बता देता हूँ देखो हम एन टू डी एक्स यही सही एन टू डी एक्स यही सही दो मिनट का काम बस है ना एन टू डी एक्स यही सही देखो सपोज करो इसको मुझे इंटीग्रेट करना आयोगाओ इसको इंटीग्रेट करना है कैसे करते हैं चलो बताओ सात एक्साइज पड़ गया इंटीग्रेशन की अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है उसके ऊपर पावर वन बाय टू है पावर वन बाय टू है अंदर कैसे मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा तो क्या करें डिफ्रेंशेट नहीं है ना इंटीग्रेट इंटीग्रेट कैसे कर दें तो बेटा इंटीग्रेट कैसे कर दें ये इंटीग्रेबल फॉर्म में ही नहीं अभी चेंज कैसे करें वी हैव डिस्कस एट इन द सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन कि अगर बाइनोमियल की पावर है तो मोनोमियल की पावर में कन्वर्ट करो मोनोमियल की पावर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी ले लो सब्स्टिट्यूशन में एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या ले लिया हमने टी ले लिया उससे क्या आया डिफ्रेंशिएट करने से क्या बन गया टू एक्स डी एक्स कितना आ गया डी टी तो हमारे पास एक्स, एक्स तो है ही सही ना तो एक्स, एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाय टू टाइम और वहाँ से चलो ठीक है इतना कर दिया हमने अब यहाँ से एक्स की वैल्यू के बाहर एक्स भी तो है तो एक्स की वैल्यू क्या है अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन टी है अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या है टी तो एक्स स्क्वायर क्या होगा टी प्लस वन या वन प्लस टी तो अपने को तो एक्स चाहिए तो एक्स क्या होगा रूट वन प्लस टी तो एक्स को आप सब्सिट्यूट करो ऐसे कैसे रूट वन प्लस टी से स्क्वायर माइनस वन को तो आपने टी ले ही लिया था तो सर क्या फायदा हुआ पहले ये रूट में था अब ये रूट में हो गया तो बेटा अब फायदा ये हुआ हेलो हाँ जी हाँ हाँ बोलो क्यों पापा से बात कर रहा हूं अच्छा पापा का नंबर दे तो मेरे को व्हाट्सएप करो मैं बात करूंगा ठीक है ओके सो okay. so, कुछ फ़ायदा हुआ क्या ऐसा करने से मुझे बताओ ऐसा करने से कुछ फ़ायदा हुआ क्या इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो ऐसा करने से कुछ फ़ायदा हुआ बोलो हाँ क्या हाँ जी पी हाँ तो टी ये रहा ना एक्सपायर माइनस वन को टी लिखा तो वहां से एक्स कैसे निकल गया है वो पूछ रहा हूं ना तो एक्स ऐसे ही तो निकल के आएगा बोलो एक्स ऐसे ही तो निकल के आएगा बट आपने को क्या चाहिए था मोनो एक्सक्वायर माइनस वन को हमने क्या लिख दिया था टी लिख दिया था तो उसकी पावर हाफ भी है यस एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर टी है तो टी की पावर हाफ भी तो है सही कह रहा हूँ तो so, टी की पावर हाफ है तो ये टी की पावर एक्चुअली इस पर भी रूट लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू टी थी, थी लेकिन इसकी पावर हाफ भी तो है तो टी की भी पावर हाफ हो जाएगी और वहां से एक्स की पावर वन प्लस टी हो जाएगी तो ये वन प्लस अब इसकी इसका भी रूट हो गया 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 तो क्या आंसर आएगा इसका वन बाय टू इंटीग्रेशन रूट रूट कॉमन ले लूँ अगर मैं रूट रूट कॉमन ले लूँ तो ज्यादा कॉम्प्लीकेट हो गया किया कैसे इन्होंने एक मिनट को एक्स इंटू एक्सक्वायर माइनस वन हाफ की पावर हाफ अगर मैंने एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया एक्सक्वायर माइनस वन को मैंने ले लिया टी देर की वैल्यू हो गई वन प्लस टी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए

ठीक है अब ये क्या बनेगा बताओ एक्स नहीं टी टी प्लस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय फोर को क्या लिख सकता हूं वन बाय टू का स्क्वायर बोलो उनमें से कौन से वाले फॉर्म से मैच हुआ रूट डी टी फर्स्ट वाली फॉर्म फर्स्ट वाली फॉर्म से हुआ नेक्स्ट पेज पे बताओ वन बाय टू आंसर क्या आएगा वन बाय टू इंटीग्रेशन मतलब आंसर लिख रहा हूं मैं फर्स्ट वाली फॉर्म क्या थी एक्स बाई एक्स बाई टू एक्स बाय टू तो एक्स की जगह क्या है हमारे पास एक्स की जगह क्या है टी प्लस हाफ एक्स की जगह क्या है हमारे पास टी प्लस हाफ तो टी प्लस हाफ बाय टू और फिर वो पूरी की पूरी चीज पूरी की पूरी चीज मतलब ये की यही चीज ये, ये इधर से मिली इधर से मिली इधर से मिली तो मैं टी प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ फाइनली इसको है टी प्लस टी स्क्वायर ठीक है देन वॉट आगे बोलो ए स्क्वायर नेगेटिव है क्या ओके सो माइनस ए स्क्वायर बाय टू तो वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर डिवाइडेड बाय टू भी है ठीक है और उसके बाद क्या बनेगा लॉग लॉग और टी आएगा सबसे पहले तो टी की जगह तो टी प्लस हाफ और प्लस फिर ये वाली चीज टी प्लस टी स्क्वायर ये आएगा फाइनली आंसर अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा इसकी वैल्यू अभी तक अपन ने पुट नहीं करी क्या वैल्यू पुट अप करनी थी माइनस uh, टू से लेके थ्री तक वैल्यू पुटअप करनी थी तो माइनस टू से लेके थ्री यहां पर भी आएगा देन यहां पर भी आएगा देन यहां पर, पर भी आएगा लिखना भूल गया है ना डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है ना और फिर जब ये फाइनली सॉल्व हो गया तो यहां पर भी आएगा माइनस टू से थ्री तो अब आप कैजुअली इसकी वैल्यू पुटअप करो देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू थ्री पुटअप करो तो जैसे मैं थ्री पुटअप करता हूँ तो क्या आता है थ्री की थ्री पुटअप करूंगा तो थ्री प्लस वन बाय टू क्या होगा सेवन बाय टू By 2, तो ये ये क्या हो 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 जाएगा हो जाएगा जाएगा इधर 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 अंदर अंदर पुट अप करो करो का का कि है ना बाहर लॉग और इधर आ जाओ थ्री पुटअप करो तो थ्री प्लस सेवन बाई टू सेवन बाय टू प्लस अब इधर पुटअप करो थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर यानी क्या होगा गया थ्री स्क्वायर यानी कि नाइन प्लस थ्री रूट ट्वेल्व वही हो गया थ्री तो पुटअप हो गया सारा थ्री तो पुटअप हो गया अब माइनस ये थ्री पुटअप हुआ है ना थ्री पुटअप हुआ है तो मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ अब माइनस करना है माइनस टू पुटअप करना है अब, अब माइनस करो पे की वैल्यू माइनस टू पुटअप करोगे तो चलो इधर कुछ भी आएगा लेकिन इधर अंदर बताओ क्या आएगा टी की वैल्यू माइनस टू पुटअप करेंगे तो अंदर क्या आएगा बताओ माइनस टू फोर टू आएगा आएगा और इधर क्या आएगा इधर भी माइनस टू हां देखो यहां पे फेल हो गया ना देखो टी की वैल्यू चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टी की वैल्यू माइनस टू पुटअप करने में लेकिन जैसे मैं टी की वैल्यू माइनस टू यहां पुटअप करूंगा तो देखो क्या आएगा जो भी आएगा एक्सप्रेशन बन जाएगा Finally, एक फाइनली एक एक्सप्रेशन ऐसा आएगा जिसमें टी की वैल्यू माइनस टू यहाँ पुअप करेंगे तो क्या आएगा ये तो अभी अपने सॉल्व कर ही दिया माइनस टू प्लस हाफ क्या होता है बताओ माइनस टू प्लस हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय टू ओके फाइन माइनस ये लॉक के अंदर की क्वान्टिटी पुटक कर रहा हूँ अभी अभी पुटक किया इसी प्लस रूट टू ठीक है और इसका फाइनली आंसर एक नेगेटिव आंसर है चेक कर लो माइनस वन पॉइंट फाइव और रूट टू का मतलब होता है लगभग वन पॉइंट फोर तो फाइनल आंसर नेगेटिव है है ना अब नेगेटिव लॉग का भी नेगेटिव क्वांटिटी पे लगता है क्या बोलो लॉग का भी नेगेटिव क्वांटिटी पे लगता है क्या तो यानी कि जो चीज आनी चाहिए वो एक ऐसी चीज आई जो होती ही नहीं है तो हमने इसका मतलब है हमने जो वैल्यू ली थी माइनस टू से थ्री तक जो हमने वैल्यू ली थी वो वैल्यू एरनस है क्या कह रहा है द द द ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन इन इज इज एरनस सिंस फंक्शन एफ एक्सप्रेशन दिस 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 नॉट डिफाइंड ए पोर्शन सो क्लोज इंटरवल माइनस टू ये तो चलो अपन ने सॉल्व कर लिया लेकिन अपन स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही आ जाओ देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था चलो हमने सोल्व नहीं किया उससे पहले ही अगर अपन डिस्कस कर लेते तो हो जाता देखो क्या वैल्यू है माइनस टू से थ्री ये वैल्यू है तो मुझे बताओ माइनस टू से लेके थ्री की बात करूं तो नंबर लाइन बना रहा हूं मैं माइनस टू का आएगा ये जीरो माइनस टू माइनस वन माइनस टू ये आएगा थ्री का आएगा वन टू थ्री यहाँ आएगा फंक्शन क्या था बताना इंटीग्रेशन माइनस टू थ्री एक्स इंटू स्क्वायर माइनस वन की बात चलो आप सॉल्व मत करो आप तो एज इज फंक्शन को ही डिस्कस करो ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे थ्री वैल्यू पुटअप करूँ तो थ्री स्क्वायर माइनस वन क्या होता है क्या होता है थ्री स्क्वायर माइनस वन, वन एट एट का एट का रूट जो भी होता है ठीक है टू रूट तो होता है ना लेकिन एक्स की वैल्यू माइनस टू पुटअप करें तो हम इसमें फोर माइनस वन अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इसके अंदर क्या पुटअप करूं अगर मैं इसके अंदर लेट से जीरो पुटअप करूं एक्स की वैल्यू जीरो पुटअप करू बोलो तो जीरो माइनस वन क्या होता है माइनस वन मतलब इस पार्ट को आप ध्यान से देखो एक्सक्वायर माइनस वन का रूट है ये है ना है या नहीं है तो आप ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट है एक्सक्वायर माइनस वन की वैल्यू एक बार जीरो रखना तो एक्सक्वायर की वैल्यू क्या हो गई वन यानी एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन माइनस वन से वन ये वाली जो चीज है डिफाइंड ही नहीं है चेक करो डिफाइंड है माइनस वन का आ रहा है यहां पे और वन का आ रहा है यहां पे इस पार्ट के अंदर अंदर आप कुछ भी वैल्यू डालो उधर

तो आप सर कह रहे हो कि माइनस टू से लेके थ्री तक इंटीग्रेट करना है लेकिन उस माइनस टू से लेके थ्री के बीच में एक ऐसा पोर्शन है जहां पर वो वैल्यू तो उधर रखी नहीं जा सकती तो इस जो आपने अब ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल लिखा है इसका कोई मीनिंग नहीं है ये सेंसलेस मीनिंग लिखा है आपने आपको ये माइनस टू से लेके थ्री जो वैल्यू जो भी आप वैल्यू यहाँ डालो वो ऐसी डालनी है उसके अंदर हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए माइनस टू से लेके थ्री के बीच में हर एक पॉइंट पे गिवन फंक्शन होना चाहिए, जबकि माइनस टू से लेके थ्री में ये माइनस वन से वन में ये डिफाइंड ही नहीं है नेगेटिव नंबर का रूट निकल के आ रहा है जो कि होता ही नहीं वो तो चलो हमने सोल्व कर दिया सोल्व करने के बाद भी फाइनली उसी पॉइंट पे हम लैंड हुए कि ये तो डिफाइंड ही नहीं लॉग नेगेटिव क्वांटिटी का होता ही नहीं ठीक है ना चलो डिफाइन नहीं करते अपन फंक्शन को ही देख लेते तो भी पता चलता था तो ये रिमार्क वो कहता है कि अगर आपने ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है तो ये माइनस वन से वन में डिफाइन नहीं है एक्स की वैल्यू में तो यानी कि ये जो यह एरानस है एरानस मतलब या तो सेंसलेस है या इसमें कोई एरर है गलती है ये एक्सप्रेशन ही वेल डिफाइंड नहीं है क्लियर है हो गए चारों रिमार्क्स और भी है हो गए ना अच्छा पांचवा भी है वो सी वाली बात सुनो बहुत ही इजी सी बात है कि अगर हमने लेट्स एक फंक्शन लिखा पांचवा रिमार्क्स में पहले आपको बता चुका था सी वाला पार्ट है ना वही सेम वही चीज है कि अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी किसी ने कहा सर सी का गायब कर दिया आपने किसी ने कहा आपने सी का गायब कर दिया चलो नहीं करते कहा तो इसका अगर एफ ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है मान लो होता है तो आप इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी डाल दोगे अब इसकी लिमिट आप क्या डालोगे ए टू बी डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो ए टू बी लिमिट डालोगे ना इसकी वैल्यू क्या आएगी बी डालो पहले तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी प्लस सी फिर ये तो, ये तो आपने बी डाली है अब माइनस ए भी तो डालोगे तो एफ ऑफ ए प्लस सी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा आएगा और सी प्लस सी माइनस सी भी आएगा जो कि कट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में तो आंसर तो वही e. तो ये कहता है कि आप अगर जबरदस्ती डालोगे तो है, तो जब है तो हम इसका नहीं है ऐसे नहीं पहले लगाया फिर काटा अब लिखो ही मत ये हमारा फाइनली ये रिमार्क ठीक है सो दैट इज इट ये हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है कल अपन एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले ओल्ड बुक में सेवन नहीं सेवन पॉइंट नाइन नई बुक में सेवन पॉइंट एट उसके बाद करेंगे हम उससे अगली वाली सब्सटीट्यूशन जो बीच की दो एक्सरसाइज बताई थी जो इजी पोर्शन है जिससे आपको टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहे उसके बाद फिर हम आएंगे फाइनली ठीक है चलो चलो और फिर फाइनली लास्ट लास्ट में प्रॉपर्टीज ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस नाइस कीप लर्निंग प्रॉपर्टीजनिंग डोंट वरी कल वाला पार्ट जो होगा सेकंड हाफ वो इंटरेस्टिंग uh, होगा मूवी का है ना ऐसे मानो आज का ही बोरिंग था